स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बारकोड रोटेट इशू के बारे में। क्या है ये बारकोड रोटेट इशू, इसका कहाँ यूज़ करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरल ड्रॉ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लाइन को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी स्क्वायर शेप, कोई भी अगर आपने ओवल सर्किल, कोई भी कस्टम शेप लिया है, तो अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, जब आप इस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसके हैंडल मिलते हैं। जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ रोटेट करने के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हैंडल मिलते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर पाते हो। ठीक है, ऐसा इस शेप में भी है और लाइन वगैरह किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में ये चीज़ अप्लाई होती है। बट आप जानते हैं कि बार कोड के साथ ऐसा नहीं है। और तो वो देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। सिंपली मैं जाता हूँ एडिट में और यहाँ करता हूँ इंसर्ट बार कोड। ठीक है, यहाँ मैं ये बार कोड है और यहाँ मैं कोई भी इसे डिजिट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसे नेक्स्ट कर लेके इसे इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि ये इसमें इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं जैसे ये एक सिंगल क्लिक किया तो उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा उसको कर सकता हूँ। जब उसमें एक डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसको जो रोटेट के जो हैंडल होते हैं, जैसा आप जानते हैं, जैसे मैंने पिछले ऑब्जेक्ट में करके दिखाया था, इसमें जब डबल क्लिक करते हैं हम तो वो देखिए वो इसमें शो नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ हम अगर इसको मान लीजिए मुझे इसे रोटेट करना है और मैं इसे यहाँ मिरर हॉरिजॉन्टल करता हूँ या फिर इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करता हूँ, तो आप देखेंगे इसका जो यहाँ इसमें जो टेक्स्ट लिख रहा है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम कई सारे और चीज़ इसको रोटेट करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ आपका जो एंगल है, एंगल रोटेशन के लिए, वो भी हाइड है। और आप इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रेंज में जाके ट्रांसफॉर्म के अगर इसको रोटेट करते हैं यहाँ से भी, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको एंगल दीजिए कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 90 एंगल, तो यहाँ देख लिया ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें रोटेट करने के सारे जो ऑप्शन हैं वो इसमें वर्क नहीं करते। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इसे रोटेट करने की आवश्यकता होती क्यों है। ठीक है, हमें इसे रोटेट कब करना पड़ता है, तो सिंपली मैं एक उदाहरण देके आपको उसको समझाना चाहूँगा। ये एक, जब भी आपको पता है, आप जो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग बनाते हो, स्पेशली जब आप बॉक्स शेप की कोई डिज़ाइनिंग बनाते हो, तो उसमें जैसे कि आपने ये टाइटल देखा, टाइटल है, कोई भी पर्टिकुलर डिज़ाइन है, कोई भी फर्दर डिटेल्स है, कुछ भी उसमें कोई भी आपने कुछ लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से इसमें ऐसे नहीं रखते हम। आपको पता है हमें इसे 180 डिग्री रोटेट करना होता है, ताकि जब ये फोल्ड होगा तब ये आपको बिल्कुल ही सीधा विजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बार कोड की बात करें, तो जब बार कोड को अगर आपको रोटेट करना हो, तो देखिए इसमें ना तो कोई एंगल प्रोवाइड है, यहाँ आप इसको एंगल मतलब आप इसको पर्टिकुलर कोई अमाउंट देके इसे रोटेट कर सकते हो, या फिर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो हैंडल प्रोवाइड हो। जब उसमें डबल दो बार क्लिक कर दोगे तो इसमें ये एडिट खुल जाएगा, बट इसमें रोटेट के लिए हैंडल्स नहीं आएंगे। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको उसके मेथड बताऊँगा। तो मैं आपको यहाँ दो मेथड बताऊँगा। एक तो इसमें क्या होता है, टेक्निकली कभी इसमें हैंडल आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। तो अगर आते हैं तब भी और नहीं भी आते हैं तब भी आप इसको अपना कैसे रोटेट करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, मेथड वन जो बहुत ज़्यादा इजी है, और मेथड वन अगर कभी काम नहीं करता तो आपको फिर मेथड टू यूज़ करना है। मेथड वन है कॉपी पेस्ट। जब भी आपको बार कोड मिलेगा तो आपको उसको जैसे उसे कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी से, और आप यहाँ आप कर लेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, मैं इसको यहाँ साइड रख देता हूँ, ये वाला आपका पुराना वाला डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये वाला है। आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, देखिए अब भी इसमें जो हैंडल हैं वो नहीं शो हो रहे हैं। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें ये शो हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये वेक्टर फॉर्म में है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। और आप इसको बारकोड को, अब मतलब अगर ये हो भी जाता, अगर आप इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करते, बट कन्वर्ट टू बिटमैप हम नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो फर्स्ट मेथड है आपने क्या किया, इसमें आपने कॉपी और पेस्ट कर लिया, ताकि इसका ये हैंडल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो गए। ठीक है, ये बहुत ईजी है और कोई बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते भी होंगे। और दूसरा जो मेथड है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कॉपी पेस्ट किया और आप नहीं करना चाहते हो और आप वेक्टर फॉर्म में इसे चाहते हो, और कॉपी पेस्ट करने के बाद भी अगर ये आपको हैंडल, जैसे देखिए मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये विजिबल नहीं हो रहा, तो सिंपली आपको करना है इसे कॉपी। ठीक है, और आप जाएंगे एडिट, एडिट में जाकर आपको पेस्ट स्पेशल, और यहाँ आपको करना है पिक्चर मेटा फाइल। ठीक है, और ओके। तो इसका क्या जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बारकोड में ही रहेगा, ये एज अ बारकोड फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा और आप इसको ईजिली रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, और इससे पहले अगर आप इसको इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ इसको ऐसे रख दिया, तो फ्रेंड ये आप करके देखिएगा, जब आप बारकोड इंसर्ट करते हो तो वो रोटेट आपके सिस्टम में होता है या नहीं। और देखिए
फिर दूसरा क्या है, अगर आप देखिए मैं इसको करूँगा तो ये नहीं होगा, और उसमें मैंने कॉपी करके करा तो ये हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें पता नहीं चलता कि हमें इसे रोटेट करना कैसे, और इस जगह अगर हमें रखना हो इसको तो हम उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं। ये फ्रेंड बहुत छोटा सा इशू है, अगर अगर हमें इसे नहीं पता होगा, इसे हम अगर जानकारी नहीं होगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, हमारा बहुत टाइम खराब होता है। और इसको देखिए करने में एक सेकेंड भी लगा होगा, मगर अगर आप इसको नहीं जानते, इस ट्रिक को नहीं जानते, तो ये आपका काफ़ी टाइम खराब कर सकता है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।